हमारी जो स्टार्टिंग हमने जब की थी, हमने बड़े स्मॉल टूल्स के साथ फैल्कन एक स्टार्ट किया था। फिर हमने मैनुअल टूल्स के ऊपर काफ़ी वर्किंग करके एक फार्मर्स को बड़े अच्छे सोल्यूशन दिए जो उनकी डेली लाइफ को उतना ज़्यादा ईजी कर पाए, ताकि वो उतनी बेटर उसके साथ वर्किंग कर पाए अपने फार्म में सब कुछ है। फिर धीरे धीरे हमने मैनुअल से मैकेनिकल टूल्स के ऊपर स्टार्ट किया, सो दैट है कि फार्मर्स उस पर और ज़्यादा उनको इजी लाइफ हो जाए, लेडीज फार्मर्स जो हैं उनको बेहतर एक टूल्स मिले जिससे उनका और ज़्यादा आउटपुट्स अच्छी मिले। मैकेनिकल से फिर हम मैकेनाइजेशन के ऊपर आए, अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस आई उसके अकॉर्डिंग हमने मैकेनाइज प्रोडक्ट्स के उनको इंट्रोड्यूस किए, जिससे कि फार्मर्स को काफ़ी फ़ायदा मिला। एंड उसमें हमारे पास अभी भी 300 प्लस प्रोडक्ट्स की रेंज है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट उनको सोल्यूशंस देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के ऊपर, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्चर्ड्स हैं, उनके बाग हैं उनके लिए। कुछ हमने बायो श्रेडर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जस्ट लाइक के लिए जैसे पराली को जलाया जाता है, तो सेम केस होता है जब हम क्या नाम है अपने गार्डन्स की और काइंड ऑफ कह लो ऑर्चर्ड्स में जब प्रूनिंग करते हैं, तो उसमें बहुत सारी ब्रांचेस वेस्ट आती हैं। उन वेस्ट ब्रांचेस को क्या कर दिया जाता है कि वो इतना स्पेस लेती हैं, तो लास्ट सोल्यूशन वही निकलता है, उसको भी आग लगा दी जाए, जिससे उससे बहुत ज़्यादा सोल्यूशन क्या है काइंड ऑफ कह लो पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो हमने बायो श्रेडर्स बनाए हैं जिससे कि उसको श्रेड करके बड़े स्मॉल चिप्स क्रिएट कर लेते हैं। उन चिप्स को आप क्या कर देते हैं कि आप उसको एज ए कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फर्दर अगर है कि हमारे जो उसको ट्रीज के हैं, ठीक है, उसके रूट्स के पास हम उसके मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए उसकी क्लियर क्रिएट कर ले, वहाँ भी बड़ा अच्छा यूज़ हो जाता है। फार्मर्स की जो अभी नई डिमांड और फार्मर्स की जो नई रिक्वायरमेंट्स हैं और नई प्रॉब्लम्स जो उनको वहाँ पे फेस हो रही हैं उनके प्रोडक्ट्स में या फिर फील्ड में, उनको समझें और उनको उस सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करें इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स। लाइक हम उनको प्रोडक्ट में बदलाव लाने हैं तो प्रोडक्ट में बदलाव लाया जाता है। हमने एक ऐसा काम किया हुआ है कि जो फार्मर्स को प्रॉब्लम्स आती हैं, हम फील्ड विज़िट करते हैं, हमारी टेक्निकल सर्विस टीम है जो गांव में जाती है, छोटे छोटे गांव में फील्ड विज़िट करते हैं, और वहां पे एक छोटा कंसोर्टियम बनाया हुआ है हमने कि फार्मर्स को बुलाया जाता है और उनको नए प्रोडक्ट्स भी दिखाते हैं और वहां पे उनकी रिक्वायरमेंट्स और जैसे मैंने पहले समझाया रिक्वायरमेंट्स और प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है। उसके अंतर्गत हम उन्हें वहाँ पर सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं कि यस ये प्रोडक्ट में अगर ऐसा बदलाव लाना है तो वो बदलाव लाने से उनको वहाँ पे फील्ड में फ़ायदा मिल रहा है, उनका टाइम बच रहा है और प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। इस ये चीज़ें करने से हमें हम फार्मर्स को बहुत फ़ायदा भी पहुँचाते हैं और इसी के साथ हमें ये हमारा फार्मर एक पार्ट बन रहा है ग्रोथ सक्सेस स्टोरी के अंदर, जिसको हम आगे बढ़ चढ़ के लेके जाना चाहते हैं।